हे गाइस वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल यूट्यूब। और सारे आप सारे गाइस कैसे हो मुझे बढ़िया एक नंबर झकास। हम लोग जाएंगे आज जा रहे खंडवा से समथिंग 30 से 35 किलोमीटर दूर एक प्लेस है, बहुत बढ़िया प्लेस है, पवित्र प्लेस है, मतलब एक टूरिस्ट प्लेस भी बोल सकते हैं उसे। एक मंदिर है, देवझिरी मंदिर इसे बोला जाता है, और मज़ा आएगा तो निकलते हैं। खंडवा शहर किशोर कुमार और श्री दाजी धूनी वाले के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखने लायक बहुत सी ऐतिहासिक और अद्भुत जगह है, जिसमें से एक है देवझिरी मंदिर, जहाँ हम जा रहे हैं आज। देवझिरी मंदिर खंडवा से 25 किलोमीटर दूर भोजाखेड़ी नाम के एक गांव में स्थित है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ गए हैं, फिलहाल यहाँ पर पहुँच गए हैं। हिमांशु मेरे साथ है और हम लोग आ गए हैं। ये देखिए ये प्लेस है, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, अभी जाएंगे हम लोग नीचे, जाएंगे थोड़ा सा नीचे जाना है, हाइट से हल्का सा नीचे जाना है, और फिर भोलिया थोड़ा सा फॉरेस्ट रिच एरिया है तो घुमाएंगे। और फिलहाल चलो चलते हैं, घूमेंगे। देवझिरी मंदिर एक रहस्यमय मंदिर है, जहाँ पे प्राकृतिक रूप से निरंतर जल धारा प्रवाहित होती रहती है, इसीलिए इसे शायद देवझिरी कहा जाता है। वो देखिए दोस्तों, वो मंदिर है, और अभी आपको वहाँ पर लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे कोई हमें पंडित जी कोई मिला तो हम उनसे बातें भी करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। और ये वो कुंड है, और देखिए बहुत ही प्यारी प्लेस है। क्या बोलती पब्लिक, बाकी आप सबको पता है मुझे ट्रैवल करना पसंद है, घूमना फिरना का पसंद है, मेमोरीज क्रिएट करना पसंद है, जो कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग नहीं घूम पाते अपने जॉब के चक्कर में या फैमिली बैकग्राउंड या कुछ बहुत सारे इश्यूज़ रहते, घूम नहीं पाते, तो मैं ये ट्रैवल उन लोगों के लिए कर रहा हूँ कि कम से कम आप लोग नहीं आ रहे पर मेरे वीडियोज़ के थ्रू आप घूम सको। जो ऐसी जगह है खंडवा में और खंडवा के बाहर MP में, मतलब टूरिज़म में प्लेस ये पता नहीं रहती है लोगों को कि यहाँ पे ऐसा भी कुछ जगह है, ऐसी कुछ अनसुलझी रहस्य है यहाँ पर। मैंने आपको बताया जो शिवलिंग के ऊपर पानी निरंतर 12 महीना 24 घंटा बहता है, ठंड में, इवन ठंडों बरसात में चलो ठीक है यार कि बरसात का पानी गिरा है, ठंड में बहेगा, बट इवन गर्मी में भी आप लोग देखिए, समर वेकेशन में आप लोग आओ तो वो जो पानी की जल धारा है वो आपको कंटिन्यू वैसी ही मिलेगी। यही यहाँ की खासियत है। हाँ, यही यहाँ की खासियत है। पता नहीं कब से कंटिन्यू यहाँ पर पानी बह रहा है, शिवलिंग पर गिरता है, और इसीलिए इसको शायद देवझिरी कहते हैं। हाँ, तो ये देवझिरी का रहस्य है, पता नहीं कोई सुलझा पाया या नहीं, पर आप एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करें। तो आप लोग नज़ारा देखो, हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। तो गाइस हमने आपको भोले बाबा के दर्शन कराए और वहाँ की थोड़ी हमने आपको चमत्कार भी बताए, और मैं जो आपको कुंड बताया था वो कुंड यहाँ पर है कि यहाँ से जो मतलब वहाँ से जो पानी आ रहा है वो इस कुंड में आके इकट्ठा होता है और यहाँ पे मतलब काफ़ी जनसंख्या में श्रद्धालु आते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं और अपने कोशिश करते हैं कि हमारे थोड़े से पाप मुक्त हो। शिवाय। तो गाइस आपसे हम फिर मिलेंगे, ऐसी बने रहिए, अच्छे अच्छे वीडियोस में आपके साथ लाता रहूंगा, ऐसी घुमाता रहूंगा, एंजॉय करवाता रहूंगा। ट्रैवल व्लॉग मेरा कंटिन्यू रहेगा, आप उससे कंटिन्यू मैं आपको एवरी वीक मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट्स करके बताए वीडियो कैसा था और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे। जय श्री महाकाल, फिर मिलेंगे, बाय बाय।